नहीं जानते। ठीक हो जाएगा मेरा बब्बर शेर। पप्पू कैसा है मेरा पुत्र अब है? ये दलिया किसके लिए है? ये अपने पप्पू के लिए मंगवाया है मैंने। वाजीबा। मेरा पप्पू दलिया खाएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भागने दौड़ने लगेगा मेरा बच्चा। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। ना बेटा खाएगा नहीं तो अच्छा कैसे होगा है? मुझे नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा तो खा ले मेरा पुत्र, थोड़ा सा। लाए मैं खिलाता हूँ अपने बेटे को। पर पुत्र तू पहले खुद तो नाश्ता कर ले। माँ जी मैं बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप बैठे, अपने अब्बू के हाथ से खाएगा मेरा बेटा। मुझे इनाम क्या मिलेगा फिर? इनाम जो तू कहेगा वो दूंगा। चल मेरा बेटा। मुझे यही रहना है आपके साथ फिर इधर। पप्पू कोई बात नहीं, इधर ही रहेगा तू, तू अब कहीं नहीं जाएगा। चल मेरा बेटा आकर। इतना छोटा सलामत अली खान साहब इतना बड़ा आ करते थे। करा आइए, शाबाश, बब्बर शेर बन जाएगा। चल कर जरा, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। जीवनगर के तमाम वासियों को सलाम और हमारे ग्रुप सेव द जीवनगर में खुशामदीद। आप सब जानना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो करना हमें ये है कि जो ताकत हमने अपने हाथों से किसी के स्पुर्द की थी, अब वो ताकत हमें अपने हाथों में लेनी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अहद करेंगे कि अब आप लोग आपस में बराबरी की सतह पर कोई भी तनाज़ा नहीं होने देंगे, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई तनाज़ा हो भी जाता है तो आप लोग आपस में मिल बैठकर बात का हल निकालेंगे। पिछले तनाज़ात जो असल में किसी और की साजिश की वजह से पैदा हुए थे उनका हल भी इसी तरह निकालेंगे। प्लीज़ किसी तीसरे के पास मदद के लिए मत जाएं, नहीं तो नुकसान बढ़ता जाएगा। नंबर दो, सब कारोबारी और नौकरी पेशा अफराद मंथली देने से इनकार कर दें। याद रखें, दो चार लोगों के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सब मिलकर ये फैसला लेंगे तो ही इसका फायदा होगा। फैसला करें और उसके बाद उस पर डट जाएं, चाहे उसके लिए आपको मार्केट ही क्यों ना बंद रखनी पड़े। नंबर तीन, अब सबके सामने आपका दुश्मन आपके साथियों के घरों पर कब्जा कर रहा है, मगर आप खामोश बैठे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके घर पर कब्जा नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हर एक के घर और दुकान पर कब्जा हो जाएगा। जितनी आपकी तादाद है, याद रखें अगर आप सब मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। और नंबर चार, तमाम वालदैन अपने बच्चों पर निगाह रखें। आपके बच्चे मोहल्ले और स्कूल में किन के साथ उठते बैठते और घूमते फिरते हैं ख्याल रखें। बच्चों में मनुष्यात बहुत तेजी से फैल रही हैं। चंद हफ्तों में बच्चे इन मनुष्यात के आदि हो जाएंगे और उसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ख्याल रखें। और आखिर में वही एक ज़रूरी बात, अगर आप जीवन अगर बचाना चाहते हैं तो ये ग्रुप मत छोड़िएगा। ग्रुप के साथ साथ हमारे दूसरे सोशल मीडिया पेजेस को भी फौरन लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें। MM की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, अगला इलेक्शन लड़े आप? अब के वाला क्यों नहीं, अब तो गुजर गया, अब क्या फायदा। यार कुछ भी चलता है यार, हो सकता है।
सुनो, सही थी ना? A1. ये दिखाओ मुझे। नहीं, मुझे लगता है एक लाइन मिसिंग। नहीं नहीं, हो गई थी ये। और तुम सीधे नहीं बैठ सकते थे? एक आवाज में चाहिए होता है ना आपको ऐसे एक इंसान टोन। अम्मा छोड़ देना मुझे, जाने दे। चुप करके बैठ, चंपी करा। तेल लगाने से दिमाग ताजा हो जाता है। वाह जी वाह, चैंपियन हो रही हैं। आजा, तेरी भी कर देती हूँ। आ जाए आप, मेरी भी जान छूटेगी। अच्छा चलो, मैं करवा लेता हूँ। आजा। वो मां जी, बाहर एक विग वाला आदमी मुझे मिलने आया है। अरे पुत्र किधर जा रहा है? आज मैं तेरी चंपी कर देती ना। आराम से बैठ के चंपी करवा। मुझे नहीं करवानी चंपी। बैठ जा ना, देख सर में कितनी खुश्की हो रही है, बैठ जा। अब बस भी कर देना अम्मा। हाँ मेरा बेटा बैठ, खुद लगवा सर में। माय डियर फैजान इज हियर। हेलो जी, कटो पैसे, पैसे नहीं भिजवाए आप लोगों ने। फैजान बेटा अभी तो औकात में रहा अपनी, बेटा बेटा नहीं हूँ तेरे में, समझ आइए। पढ़े पढ़ बेटा, कुछ तो रहने दे। समझ नहीं आती बात, एक दफा जो फ्रॉड तुम लोगों ने किया है ना, उच्ची बिरादरी में रिश्ता करना है, कैफे शैफे खोलना है, फ्लॉप हो गया सारा कुछ, समझ आइए। बड़ा तपे हैं बिल्ला भाई, 3 माह के अंदर पैसे ना जमा कराए फिर ये पूरा जीवन नगर देखेगा। फिजान हमसानी करता क्या है, अच्छी है ना, चलती भी बहुत अच्छी है, आई समझ। चल और तुझे कहा था पता कर कौन बकवास कर रहा है शाहजी के खिलाफ, अभी तक बंदा नहीं पकड़ा गया तेरे से। बिल्ले तू तो जानता है ये सारे काम बाबू किया करता था, मैं तो खुद अनपढ़ जाहिल हूँ यार, बंदे तो मैंने सारे जीवन नगर में छोड़ दिए हैं पर अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं तो खुद चाहता हूँ कि एक बार सामने आए तो एक हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा उसकी। सारी साजिश बाबू की है, मिल गई है खबर मुझे, बाबू पलस्तर के साथ जाके मिल गया है, सारे लोगों को शाहजी के खिलाफ करके बदला लेना चाहता है। बहुत बड़ी बड़ी गलती की है शाहजी ने उसको जिंदा छोड़ के, यहाँ से भी सारा कुछ लूट के चला गया और हमारा धंधा भी तबाह कर दिया। यार बिल्ले, वो पलस्तर ने हनीफ वाली जगह पे मिस्त्री मजदूर लगा दिए हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं उधर, और वो कच्ची लाइन के 20-30 घरों पे भी कब्जा कर लिया उसने। यार हम कब तक चुप करके बैठे रहें, तो बात करना शाहजी से। शाहजी से बात कर, ये है हमारे शाहजी, हो सकती है इनसे बात वाला बगे।
बात थोड़ी कड़वी है पर सच यही है कि अब सब कुछ तुझे और मुझे संभालना है। शादी किसी और लाइन लग रहा है। अब खुद सोच, आज से पहले पलस्तर की जरूरत थी कि जीवन नगर में घुस के दिखाता, पर अब वो यहाँ आ गया है, ये सब कुछ कर रहा है। तो शादी ने क्या किया? ये जब भी बात करो कहते हैं कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो। बदमाशी में कौन सी कानूनी कार्रवाई होती है? बहुत हाई लेवल डील कराई है बाबू ने पलस्तर के साथ। उनके पास असला भी नवा है, पैसा भी टाइट है, जबकि हमारा धंधा है बंद। अब जब धंधा बंद है तो असला तो है ही नहीं हमारे पास। और जहां तक बात है पैसे की, वो तो शाहजी वैसे भी गरीबों पे सारा बांट देते थे। अब जब जीवन नगर के बाहर से पैसा नहीं आ रहा तो फिर जीवन नगर के अंदर से निकालना पड़ेगा। जीवन नगर को बचाने के लिए, समझ रहा है ना? नजर नहीं रखेंगे तो ये सब तो होगा ना? खुदा का खौफ करो, अकल के नाखून लो। पहले तो तुम सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे। एक बबरशाही बचा था, अब उसके खिलाफ भी बकवास शुरू कर दी तुम लोगों ने। याद करो वो दिन जब राजा पलस्तर के लोग दिन दिहाड़े लूटते थे, मारते थे, औरतें उठाकर ले जाते थे। आज जीवन नगर में अगर सुख है। मुझे पता है बाबू, ये तुम ही हो ना? ये गद्दार प्लस्तर के साथ मिलकर बबर शाह के खिलाफ बकवास कर रहा है। चलो मैं तो ग्रुप छोड़ रहा हूँ। और मैं एग्जिट कर रहा हूँ। फरीदा बोल रही हूँ। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? मैं पिछले दो दिन से बब्बर शाह के साथ हूँ। अल्लाह जानता है अगर मेरे पप्पू की जान बची है तो सिर्फ और सिर्फ बब्बर शाह की वजह से बची। दिन रात बेचारा बब्बर मेरे बच्चे के लिए जाग रहा है, उसको दवाइयाँ दे रहा है, उसके लिए परहेजी खाने बनवा रहा है, अस्पताल लेकर जा रहा है, हर तरह का उसका ख्याल रख रहा है। सब जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर यकीन नहीं आता ना तो आकर देख लो। अरे वो तो फरिश्तों से भी बढ़कर इंसान है, उसी की वजह से तो जीवन नगर आबाद है। ऐसे ही किसी पर झूठे बहतान नहीं लगाते बेटा, बुरी बात है। अल्लाह तुम्हें भी सुखी रखे। वैसे तो अम्मा फरीदा के मैसेज के बाद किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा जीवन नगर जानता है कि पलस्तर से जीवन नगर को बचाने के लिए हमने अपनी जिंदगियां खतरे में डाली हैं। हैं? अब बगैर तो
ओए आके देखो बब्बर शाह के सीने पे कितनी गोलियों के निशान है, और तुम बब्बर शाह और उसके बंदों पे जो है वो इल्जाम लगा रहे हो और डूब के मर जाओ। अगर तुम सच्चे होते ना तो ऐसे बुजदिलों की तरह छुप के बात ना करते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो ना तो ये सारी बातें सबके सामने आके करो, और अगर एक भी सबूत है ना बब्बर शाह के खिलाफ तो वो सामने लाओ। ऐसे इल्जाम ना लगाओ, खाम खा बकवास करते हो। खुदा हाफिज। अब्बाब वो कैसी बातें कर रहा है तू? और ठीक बातें कर रहा हूँ। जो भी लड़का बिल्ले से मिला है ना, चांदी हो गई है उसकी। और वो फिदान, वो अली, वो मीदा, वो बिलाल, सबके हालात यूं बदल रहे हैं यूं। अब्बा गलत कह रहा है तू, गलत रास्ता है वो। तो फिर तू बता दे सही रास्ता क्या है, क्या मिला है हमें सही रास्ते पे चल के, बता। तुझ पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा, करोड़ों के मकरूज हो गए। तुम पे खजाना चोरी का इल्ज़ाम लगा, वगैरह दुश्मन हो गए हमारे, कारोबार तो मेरा तबाह हुआ। छोटे कारोबारी को देखा है कैसा कारोबार चल रहा है उसका, अब तो सुना है कि गाड़ी ले रहा है वो, क्योंकि उसका बेटा बिल्ले से मिल गया। वो मग्गू ढाबे वाले को सपोर्ट कर रहे हैं सारे, मेरे सारे गाहक उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसका बेटा बिल्ले से मिल गया है। मुझे तो अब वो जो दूध वाला है ना, वो भी दूध 10 रुपए महंगा दे रहा है। ओए भूखे मर जाएंगे हम, तबाह हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं जाके बिल्ले से मिल, नहीं तो मैं बात करता हूं उससे। क्या सोच रहा है वो? बात तो सुन। ओ यासर, ये नहीं समझेगा, ये भूखों मारेगा हमें। सेव दी जीवन नगर M-M. ओ चीते, ओ चीते, इधर आ। जी बिल्ला भाई। और ये कौन लिख के गया है? पता नहीं भाई। शाबाश, कोई हमारी दीवार पे लिख के चला गया है, तुझे पता ही नहीं चला। कोई गोलियां मार के चला जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा तुझे। दबाओ अंदर। हाँ हेलो। हाँ मलिक साहब कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ मेरे सलाम देना आप। यार एक बात बता, ये तुम तफ्तीश के दौरान वो मोबाइल की लोकेशन का पता कराते हो ना? हाँ मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, ज़रा इसका पता तो कराओ ये है कहाँ बंदा। और हाँ वो भी साथ भेजूँगा मैं, भेज रहा हूँ फिर। हैं हाँ हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। आप सबको मुतला किया जाता है कि जीवन नगर के ख़िलाफ़ एक घनावनी साजिश हो रही है। जीवन नगर में इंतशार फैलाने के लिए दुश्मनों ने सेव द जीवन नगर के नाम से एक ग्रुप बनाया है, और इसी नाम से सोशल मीडिया के पेज भी बना रखे हैं। आप सबको बब्बर शाह की तरफ से ताकीद की जा रही है कि फ़ौरन ये ग्रुप और सोशल मीडिया पेजेस छोड़ दें और दुश्मनों की इस साजिश को नाकाम बनाएं। अगर जीवन नगर का कोई शख्स आइंदा इस ग्रुप में नजर आया तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। ये लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं और ये कुछ अननोन नंबर से प्राइवेट मैसेजेस आए हुए हैं, कह रहे हैं कि सामने आओ। का मतलब है कि कुछ लोग हैं हमारे साथ। बिल्कुल हैं। और वो डेरे के बाहर सेव द जीवन नगर आपने कब लिखा था? नहीं मैंने नहीं लिखा।
मैंने खुद देखा है, हमने टोटल 3-4 जगह लिखा था ना, और वो मस्जिद के बारे भी लिखा हुआ था। मुझे लगा आपने बगैर बताए ऑपरेशन शुरू कर दिया। नहीं यार, मैंने नहीं लिखा, उधर वाकई लिखा है कसमें डेरे के बारे। हाँ इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं हमारे साथ, और अगर हम अब सामने नहीं आए ना तो उनकी हिम्मत भी टूट जानी है। अब आना पड़ेगा सामने। क्या कर रही हैं? जीवनगर के तमाम वासियों को सलाम एंड वेलकम टू आवर ग्रुप सेव द जीवनगर। जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि अब हम सामने आकर बात करें। ठीक है, अब हम सामने आएंगे और सामने आकर ही सबको समझाएंगे। कल सुबह 6 बजे कोई लड़ाई, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं होगा। बहुत ही पुरअमन तरीके से। वो तमाम लोग जिनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, और वो तमाम लोग भी जो जीवनगर को बचाना चाहते हैं, आप सब सुबह 6 बजे बाबा शाह के डेरे के बाहर इकट्ठे हो जाएं। मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। थैंक यू। सीरियसली? हाँ ना, नहीं थी कोई और ऑप्शन। 6 बजे तुम्हें टाइम से मसला है। कौन उठेगा 6 बजे? तुम जाते हो ना अपनी मॉर्निंग वॉक पर, मत जाना। अच्छा चलो, सुबह की तैयारियां भी करनी है। अचीते, अचीते! जी बिल्ला भाई। और जाके ना ये मुन्नी को उठा के लिया। जी? और मैंने कहा मुन्नी को उठा के मेरे कमरे में लिया, आई समझ? ठीक है बिल्ला भाई। और तेरा तो मैं निकालता हूं ना सेव द जीवन नगर।
मुन्नी जी, मुन्नी जी, मुन्नी जी, कहां पर हैं मुन्नी जी? मुन्नी जी, हेलो, कहां पर हैं भाई? मुन्नी जी छत पे? मुन्नी जी, मुन्नी जी, मुन्नी जी। उस रोज सुबह 6 बजे बब्बर शाह के डेरे के बाहर कोई एक आदमी खड़ा ना मिला, लेकिन वो चंद लोग जो सेव द जीवन नगर से उम्मीद लगा बैठे थे, वो बेचारे 6 बजे से पहले ही किसी ना किसी बहाने से हालात का जायज़ा लेने के लिए बार बार शाहजी के डेरे के बाहर से गुज़रते रहे। कई लोग चुप चुप कर अपने अनदेखे मजिया का इंतज़ार करते रहे, मगर अफसोस कि कोई ना आया। बिल्ला भाई। क्या बिल्ला भाई, एक काम का था वही तेरे से नहीं हुआ। और नजर रखते हैं ना मोहल्ले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे अंधो कितना घूमते रहते हैं। और तू क्या कर रहा है इधर सामने आ। बिल्ला भाई, फैजान भाई यही है? नहीं, वो तो नहीं आया आज। अच्छा, वो चची ने भेजा था ना, कोई काम था शायद उनको। खैर चले। अच्छा सुन जी, तुझे पता है तेरी मुन्नी बाजी कहाँ है? मैंने अक्सर देखा है तुझे उसके साथ घूमते फिरते। नहीं, मुझे नहीं पता, पहले घूमता था ना, अब नहीं घूमता शायद। अच्छा, कोई भी उसकी खबर मिले ना मुझे आके बतानी है। क्या करना है आपको पता है? हाँ जा, और तू भी जा, जाके पता कर, रिपोर्ट चाहिए मुझे बस। ठीक है बिल्ला भाई। और ठीक बातें कर रहा हूं, जो भी लड़का बिल्ले से मिला है ना चांदी हो गई है उसकी। तुझ पे फ्रॉड का इल्जाम लगा, करोड़ों के मकरूज हो गए। तुम पे खजाना चोरी का इल्जाम लगा,
मगेरे दुश्मन हो गए हमारे, कारोबार तो मेरा तबाह हुआ। छोटे कारोबारी को देखा है कैसा कारोबार चल रहा है उसका, अब तो सुना है कि गाड़ी ले रहा है वो, क्योंकि उसका बेटा बिल्ले से मिल गया। मैं तो कहता हूं जाके बिल्ले से मिल, नहीं तो मैं बात करता हूं उससे। शाहजी, पप्पू शाहजी किधर गए? नहाने गए हैं। पप्पू अकेले अकेले खेल रहे हो? वो नील और पायल बाजी आएंगी ना, तब उनके साथ खेलूंगा। वो जब आएंगी तब खेलना, अब तो मैं आपके साथ खेलूं। ये नहीं, लाल वाली मैं लूंगा। चलो नीले वाली मैं ले लेता हूँ। ये ओह यार, ओए ये क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं शाहजी, मैं तो खेल रहा था पप्पू के साथ। कान पकड़। मगर मैं शाहजी। कान पकड़ो। पके पके। जी शाहजी। आज के बाद मुझे ये बंदा यहां नजर ना आए, ले जाए इसे। ठीक है शाहजी, पर किया क्या इसने? बेगैरती। नहीं शाहजी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे शाहजी। मके इसे ले जा, इसे ले जा और इतना मार, इतना मार कि आइंदा ये कभी ऐसी हरकत करे तो इसे आज का दिन याद आ जाए। ले जा इसे। जो कम शाहजी। बगे शाहजी, शाहजी मुझे माफ कर दे शाहजी। हाँ हैरी, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उस फोन के बारे में? दोनों बंद है। और वो लोकेशन जो दी थी? लोकेशन घर ही की आ रही है लेकिन घर पे नहीं है। और बिल्ला? बिल्ला कल से डेरे पे है। ठीक है, तुम निकलो वहां से। ठीक है सर। बेटा मैं तेरा बाप हूं। वो जो अम्मा फरीद है ना, वो तुम्हारी मां है। और वो जो नीलू बाजी वगैरह नहीं आती, वो सब तुम्हारी बाजियां हैं। हम सब तुम्हारे घर वाले हैं, हम तुम्हारे अपने पुत्र। घर वालों के अलावा, तुम्हारे अपनों के अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता और ना ही बेटा तुम्हें हाथ लगा सकता है। पुत्र ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, ये तुम्हारा अपना है। इसको कोई दूसरा बंदा हाथ नहीं लगा सकता पुत्र। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ
मार दूंगा इसे। छोड़ दो, इसका क्या कसूर है? इसी का ही कसूर है। और मेरे भी तो बच्चे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसी के साथ ये सब कुछ क्यों होता है? इस बगैरत के करतूत ही ऐसे है, लोगों के सामने चमक चमक जाता है। मेरी बदनामी है ये, मैं इसे जार से मार दूंगा, जार से मार दूंगा। मैं पागल हो गया। इसकी जिम्मेदार तू ही है, इस बदनामी को तू ही पैदा की है। आप कितने हंसी, आप खुद भी नहीं जानते। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।